तो कैसे हो आप सभी। सो गाइस, तो आज के वीडियो में आप सभी जानोगे बेबलेट की सभी सीरीज के टॉप 10 डार्क टाइप बेबलेट्स के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है बेस्ड है टॉप 10 डार्क टाइप बेबलेट्स इन बेबलेट सीरीज के बारे में। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें यार, ऐसे औसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस, अभी ना कोई टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। टेंथ प्लेस पर आता है ल्यूसियस, बेबलेट बस सर्च के एंटागोनिस्ट लेन वलहाला का बे ल्यूसियस, जिसे हम ल्यूसिफर के नाम से भी जानते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप बे है। और ल्यूसियस ने एनिमे में 3 बेबलेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, जिनमें ह्यूगा का हाइपेरियन, हिकारु का हेलियोस और रंजीरो का रॉक टावर शामिल है, और इसी वजह से ल्यूसियस हमारे लिस्ट में 10th प्लेस पर आता है। 9th प्लेस, सर्पेंट। आई थिंक आप सभी को अभी तक रेजी याद ही होगा, बेबलेट मेटल फ्यूजन में दिखाया जाने वाला ब्लेडर। रेजी भी एक डार्क टाइप बे को ओन करता है जिसका नाम है सर्पेंट, और उसने अपने इस बे के दम पर यू, केंटा और ह्यूमा को सिर्फ हराया नहीं था बल्कि उनके बेबलेट्स को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। और एनिमे के अंदर सिर्फ दो ही बेबलेट्स डार्क मूव को ओन करते हैं, जिनमें से एक था लाइटनिंग एल ड्रैगो और दूसरा था सर्पेंट, और इसी रीजन की वजह से सर्पेंट हमारी लिस्ट में 9th प्लेस पर जगह बनाता है। 8th प्लेस, ड्रेड हेडीज। बेबलेट बस टर्बो में दिखाया जाने वाला फाई का जुड़वा भाई जिसका नाम था हाइड, वो भी एक डार्क टाइप बे को ओन करता है जिसका नाम था ड्रेड हेडीज, जो कि एक बहुत पावरफुल बे था। और ग्रीक मैथोलॉजी में हेडीज को अंडरवर्ल्ड का गॉड भी माना जाता है, और अपने नाम के ही अकॉर्डिंग हेडीज की रेजोनेंस पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। हाइड ने हेडीज के साथ मिलकर वॉल्ट और फाई को कड़ी टक्कर दी थी, और साथ में उसने आइगर को बुरी तरह से हराया था, और इसी वजह से उसका ड्रेड हेडीज हमारे लिस्ट में 8th प्लेस पर आता है। 7th प्लेस, हेडीज करबैक्स। एज यू ऑल नो गाइज, हेडीज ग्रीक मैथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड का गॉड है, और ये बेब्लेड हेडीज के साथ साथ एक और स्पिरिट को ओन करता है जो कि अंडरवर्ल्ड की सुरक्षा करता है, अंडरवर्ल्ड का गार्डियन डॉग करबियस, जिसे करबैक्स भी कहा गया है। और डेमियन ने बेब्लेड मेटल मास्टर्स में हेडीज करबैक्स के दम पर जूलियन को बुरी तरह से हराया था, और उसने जिंगा को हार की गकार पर पहुंचा दिया था, और इसी वजह से उसका हेडीज करबैक्स हमारी लिस्ट में 7th प्लेस पर आता है। 6th प्लेस, स्प्राइज इन रेक्वियम। उस समय को कोई भी बेब्लेड बस फैन भूल नहीं सकता जब शू रेड आई बन गया था, और रेड आई बनने के बाद उसने डार्क पावर्स की गहराई में जाने के लिए खुद को स्प्राइजन के साथ मर्ज कर लिया था, और उसे स्प्राइजन रेक्वियम उसका न्यू बेब्लेट मिल गया था, जिसके दम पर उसने 3 बेब्लेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, इंक्लूडिंग लुई का नाइटमेयर लुइनॉर, और इसी वजह से उसका स्प्राइजन रेक्वियम हमारे लिस्ट में 6th प्लेस डिजर्व करता है। 5th प्लेस पर आता है ब्लैक ड्रॉन्जर। अब तक का सबसे रहस्यमय बेब्लेट ब्लैक ड्रॉन्जर भी एक बहुत ही पावरफुल डार्क टाइप बेब्लेट है। ब्लैक ड्रॉन्जर किसी बेब्लेट के अटैक को न्यूट्रलाइज यानी कि बेअसर कर सकता है, और इसके अलावा भी उसमें बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रॉन्जर हमें सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही देखने को मिला था, और जब तक ब्लैक ड्रॉन्जर की लड़ाई 4 पवित्र बिटबीस के अगेंस्ट नहीं हुई थी तब तक उसने कोई भी बैटल नहीं हारी थी, और उसने कई सारे बिटबीस को छीन भी लिया था, इसी वजह से ब्लैक ड्रॉन्जर हमारी लिस्ट में 5th प्लेस पर आता है। 4th प्लेस, ड्रेड फीनिक्स। बेब्लेड बर्स की सभी सीजन्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क टाइप बे ड्रेड फीनिक्स ही है, और ड्रेड फीनिक्स के बारे में आप सभी पहले से ही जानते हो, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ। ड्रेड फीनिक्स एक ऐसा बेब्लेड है जिसने बेब्लेड बर्स के सभी सीजन्स में सबसे ज़्यादा बेब्लेट्स के टुकड़े टुकड़े किए हैं, और उसने टोटल 5 बेब्लेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। इतना ही नहीं, इसके दम पर फाइनल लेजेंडरी बेब्लेडर्स लाइक फ्री और शू को भी हराया हुआ है, और इसी वजह से उसका ड्रेड फीनिक्स हमारी लिस्ट में 4th प्लेस पर जगह बनाता है। 3rd प्लेस, लाइटनिंग एल ड्रैगो। इस बेब्लेड को सबसे खतरनाक डार्क टाइप बेस में से एक माना जाता है, बिकॉज लाइटनिंग एल ड्रैगो किसी भी बेब्लेड की बेस स्पिरिट की पावर को उससे छीन लेता है। इतना ही नहीं, रायोगा से पहले जिन बेब्लेड्स ने लाइटनिंग एल ड्रैगो का यूज किया था वो सभी भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाए थे, बिकॉज लाइटनिंग एल ड्रैगो उन सभी पर हावी हो गया था। रायोगा ने लाइटनिंग एल ड्रैगो के दम पर जिस भी बेब्लेडर को हराया उसकी बेस स्पिरिट उससे छीन ली और उसके अंदर एक डर सा भर दिया था।
जिंगा, कियोया और सुबासा जैसे बेबलेडर्स भी लाइटनिंग एलड्रैगो के आगे मात खा गए थे और इसी वजह से ड्रायोगा का लाइटनिंग एलड्रैगो हमारी डार्क टाइप बेबलेड्स की लिस्ट में थर्ड प्लेस पर आता है। सेकेंड प्लेस ज़ियस। ब्रुकलिन की बैक स्टोरी वाले वीडियो से लेकर गॉड टाइप बेबलेड्स वाले वीडियो तक मैंने कई बार पहले भी आप सभी को ज़ियस के बारे में बताया है। ग्रीक मैथोलॉजी में द गॉड ऑफ स्काई द सुप्रीम गॉड ज़ियस एक ऐसा बेबलेड है जिसकी दो डिफरेंट साइड्स हैं, द एंजल एंड द डेविल। और अगर हम ब्रुकलिन के बारे में बात करें तो उसने अपने ज़ियस के दम पर पहली बार काय को काफ़ी बुरी तरह से हराया था और उसके बेबलेड को भी एकदम तोड़ के रख दिया था। इसके अलावा भी उसने टायसन को उसकी सबसे ज़्यादा टफ बे बैटल दी थी। यहाँ तक कि उसका बेबलेड ज़ियस ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, एक नया डायमेंशन बना सकता है, यहाँ तक कि वो चाहे तो अपनी एक नई दुनिया भी क्रिएट कर सकता है। और यही सब चीज़ें बताती हैं कि ज़ियस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से ज़ियस हमारी लिस्ट में सेकंड प्लेस डिजर्व करता है। तो अब बारी आ गई फर्स्ट प्लेस की और फर्स्ट प्लेस पर आता है नेमेसिस। नेमेसिस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा गया है बेबलेड मेटल फ्यूरी के एनिमे में, लेकिन ये इस वीडियो का मेन मुद्दा नहीं है बिकॉज आप सभी भी यही जानना चाहते हो कि नेमेसिस ज़ियस से ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है। तो वेल गाइस, अगर हम ज़ियस के बारे में बात करें तो ज़ियस जो है वो काय के ड्रॉन्जर के अगेंस्ट बुरी तरह से हारा था। इतना ही नहीं, ज़ियस ने अपनी पूरी पावर लगा देने के बाद भी वो टायसन को डिफीट नहीं कर पाया था और वो भी बैटल टाई पर ख़त्म हुई थी। और वहीं अगर हम नेमेसिस के बारे में बात करें तो जो नेमेसिस था उसको हराने के लिए हर एक लेजेंडरी बेबलेडर ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी और ऑलमोस्ट उसे हरा दिया था, लेकिन जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही आ गया था नेमेसिस को कंट्रोल करने तो अब सारे लेजेंडरी बेबलेडर भी निराश होकर बैठ गए थे। लेकिन उस टाइम पर केवल जिंगा था जो कि एंड तक लड़ता रहा था और सारे लेजेंडरी बेबलेडर्स ने उसे अपने स्टार फ्रेगमेंट की पावर दे दी थी, लेकिन ये स्टार फ्रेगमेंट की पावर भी इतनी ताकतवर नहीं थी कि नेमेसिस को हरा पाए। और उस टाइम पर जब पूरी दुनिया के बेबलेडर्स ने मिलकर जिंगा को अपने स्टार फ्रेगमेंट की पावर दी तब कहीं जाकर वो नेमेसिस को डिफीट कर पाया था। तो आप ये समझ ही सकते हो कि नेमेसिस और ज़ियस के पावर लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है और इसी मेजर पावर लेवल के डिफरेंस की वजह से नेमेसिस ही है आज के वीडियो का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप बेबलेड। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टॉप 10 डार्क टाइप बेबलेड्स इन बेबलेड ऑल सीरीज के बारे में। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हो तो नीचे हैशटैग या सेफेस कमेंट कर देना और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट डार्क टाइप बेबलेड कौन है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ और ऐसे और सारे ऑसम इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो मुझे यानी कि ऑल फॉर्मेट सीरीज को और साथ ही में बेल आइकन को भी और पर सेट कर दो जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और मूवीज वगैरह देखने को मिलेंगी जिन्हें मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।